Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:34 पर ये भूकंप आया है और भूकंप की तीव्रता 3.9 रही। दिल्ली में फिर से प्रदूषण में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर मंत्री गोपाल राय दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग और DPCC के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तेलंगाना में मिर्यालगुड़ा से BRS उम्मीदवार और मौजूदा विधायक नलोमुथु भास्कर राव पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। उनके दफ्तर, आवास और कुछ करीबियों पर छापेमारी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के चारभुजा और देवगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी जयपुर में रोड शो के साथ प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। पंजाब में पराली जलाने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 15 नवंबर को पराली जलाने के 2544 मामले सामने आए। पिछले 4 दिनों में 6931 मामले सामने आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जांच से इनकार नहीं कर रही है। दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी। ये कोच पैंट्री कार के बगल में है। आग का धुआं उठने के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। भारत की न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के लिए PM मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने भारतीय टीम को बधाई दी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के शानदार शतक और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को हराकर भारत 12 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। इन सभी पर 17 नवंबर को मतदान है, पर इनमें से छिंदवाड़ा, इंदौर 1, बुधनी, नरसिंहपुर, लहार व दतिया ऐसी सीट है जिनके नतीजों पर सबकी नजर है। भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास के बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुजुफ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद करतार सिंह सराभाजी के शहीदी दिवस पर लुधियाना में ड्रग्स विरोधी साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्धव गुट के शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने MTHL परियोजना के पूरा होने और पूरी तरह से तैयार नवी मुंबई मेट्रो के उद्घाटन में देरी पर सवाल उठा है। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में व्यवधान डालने की धमकी के सिलसिले में पुलिस ने लातूर में 17 साल के लड़के से पूछताछ की है। संजय राउत ने कहा कि साल 2024 में राज्य की राजनीति शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही घूमेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सभी 5 चुनावी राज्यों में जीत हासिल करेगी। महाराष्ट्र में बुधवार को भाऊबीज यानी कि भाईदूज मनाया गया। इस अवसर पर राजनीतिक परिवार भी एक छत के नीचे नजर आए जब अजीत पवार के घर उनके चाचा और बहन पहुंची। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में मनोज जरांगे फिर एक्टिव हो गए हैं। जरांगे का कहना है कि मराठाओं का आरक्षण मिलेगा तो मराठा समाज के बच्चे शीर्ष पदों पर होंगे। मुंबई में राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। BJP नेता आशीष सेलार का कहना है कि रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। सलमान खान की टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर बीते 3 दिनों में शानदार कमाई की है। टाइगर 3 ने अपने कलेक्शन से कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।